दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से हाउस डिज़ाइन की, और इसका आज हम आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पूरा दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं आप, फ्रंट से मॉडल ऐसा है और दोनों तीनों साइड क्लोज्ड मॉडल है। यहाँ पर मैंने ये पूरा इसका फ्रंट एलिवेशन दिया है, साइड से भी आप देख सकते हैं, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। हालांकि ये पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं होंगे, आपका मकान पूरा क्लोज्ड होगा चारों तरफ से। तो ये आज हम इसी को डिफाइन करने वाले हैं, जिसका साइज है 22x57, 22x57 फीट में पूरा मकान बना है। हमारे एक फ्रेंड हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से ऑटोमेट क्रिएट किया है। उनका 2D मॉडल ऑलरेडी पहले से बना था, बट उसी को मैंने 3D में कन्वर्ट किया है। तो अगर आपका भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप भी ऐसे मॉडल बना सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन वगैरह, क्योंकि उनको एक मॉडर्न लुक चाहिए था, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि ये शहर में मकान पूरा बनने वाला है। तो अभी हम इसी को आपके सामने पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लगातार। मैं हूं झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, आपको हमारे मॉडल कैसे लगते हैं ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है या स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट वो हमारी पेड सर्विस होती है, उसके लिए आपको पे करना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, देख सकते हैं यहाँ पर ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री करेंगे, क्योंकि इनको कार पार्किंग की आवश्यकता थी, इस वजह से बड़ा सा गेट यहाँ देना पड़ेगा। यहाँ पर इनका दोस्तों आगे लेट एक बात है, इस वजह से ऊपर मैंने वेंटिलेशन दिया है, यहाँ पर अपनी नेम प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। तो अब मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ, तब सब कुछ आपको क्लियर होगा। जैसे आप यहाँ से मेन गेट से अंदर जाते हैं, तो ये आपकी कार पार्किंग सबसे पहले देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं कि आपकी कार पार्किंग का एरिया यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद जैसे अंदर जाते हैं, ये आपका देखिए कि लेट बात इनको एक यहाँ पर इन्होंने बनवाया था, तो ये लेट बात है, यहाँ पर भी बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा अंदर जाते हैं, ये आपको एक बड़ा सा बेडरूम, आप इसे गेस्ट रूम समझ सकते हैं, जो भी चाहें वो समझ सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने बना कर दिया है। इसी बेडरूम में आप TV वगैरह यहाँ पर देखिए मैंने लगा कर दिया। इसका डोर की बात करें तो डोर यहाँ से दिया गया है, और एक यहाँ पर देखिएगा मैंने विंडो भी दी है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, आप यहाँ से पूरी एंट्री कर पाएँ। यहाँ पर सोफ़ा वगैरह, डाइनिंग टेबल, जो भी आप चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब मेन एंट्री की बात करें तो मेन डोर ही है, जहाँ से और अंदर आप जाएंगे तो अंदर जाते ही सबसे पहले आपको स्टेयर्स मिल जाती है, ये देखिए स्टेयर्स, और ये पूरा डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने चेयर वगैरह लगा रखी हैं, और ये आपका किचन सेट है, यहाँ पर अपना किचन आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इनका एरिया, यहाँ पर एक शायद जाल रखने के लिए OTS इन्होंने दिया है, तो वो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। और किचन को वेंटिलेट कर लेंगे, ये देखिए विंडो है, ये OTS वाला जो यहाँ पर एरिया होगा ना, उसी से इस बेडरूम में भी है। इसके बाद अब पीछे ये दो बेडरूम देखने को मिलते हैं, देखिए दोनों बेडरूम अलग अलग आपको मिल जाते हैं। डोर तो अंदर पहुँचते ये दोनों बेडरूम है, इधर भी बेड देखने को मिल रहा होगा, इधर भी बेड, और इधर मैंने एक TV भी लगा दिया। इसका ये पीछे भी आपको डोर देखने को मिल रहे होंगे। ये पीछे क्यों दिए गए, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर इनका OTS पीछे है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक OTS और दिया गया है, तो उसी में जाल रखेगा, तो यहाँ पर एक विंडो से भी वेंटिलेशन होगा, डोर से भी, और इस वाले में यहाँ से, और सबसे पीछे भी एक लेट बात इनको चाहिए था तो वो दिया है, इस वजह से इस डोर से उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर इसको हम बात करें ओवरऑल, तो सबसे पहले देखिएगा फ्रंट से, फिर मैं समझा देता हूँ। मेन डोर से एंट्री होगी कार पार्किंग में, और कार पार्किंग से ही आपका पहले जो स्टार्टिंग में लेट बात है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दो तो वेसिन वगैरह आप लगवा सकते हैं, और ये आपका गेस्ट रूम है, ये यहाँ से डोर दिया गया। इसके बाद अंदर जाते हैं तो आपका स्टेयर्स, और ये डाइनिंग एरिया, ये किचन, ये OTS, ये पीछे दो बेडरूम, और ये OTS स्पेस, और ये लेट बात, तो 3 बेडरूम के साथ एक बेहतरीन सा मॉडल 22x57 फीट में मॉडर्न लुक में यहाँ पर बनकर रेडी हो जाता है। वेंटिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 OTS दिए गए हैं। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। फर्स्ट फ्लोर पर इनको कुछ भी नहीं चाहिए था, केवल पीछे दोनों बेडरूम और जो OTS था वो, और लेट बाथ चाहिए था। इसके बाद ये जो यहाँ पर सारे बेडरूम किचन था सब हटा दिया था, इनको केवल यहाँ पर स्टेयर्स चाहिए थे ऊपर जाने के। तो ये देखिए पूरा एक हॉल आपका बनकर रेडी हो जाता है। और आगे की बात करें तो आगे से दोस्तों ये मकान ऐसा लगेगा, और जो आगे वाला लेट बात था वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पर मैंने देखिएगा ये डिजाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर का डार्क रेड जो है उसे इस्तेमाल किया। ये एक डोर है जहाँ से आप ये पूरे एक बालकनी का इस्तेमाल आप करेंगे, पूरी एज अ बालकनी यहाँ पर पेड़ पौधे जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये दोस्तों सपोर्ट के लिए प्लेट टाइप का ऊपर डिजाइनिंग का भी काम करेगा, सपोर्ट का भी काम करेगा। और ये यहाँ पर ग्रिल, और ये दोस्तों पैनल लगे हुए हैं, पैनल
देख सकते हैं, और ये पूरा ग्रिल का डिजाइन देख सकते हैं टॉप से, फिर देख सकते हैं क्या यहाँ पर बना हुआ है ओवरऑल। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर हो गया है ना, फ्रंट से ऐसा लुक आएगा। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर जैसे पहुँचते हैं तो आपका बेहतरीन से 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल, और ये दोस्तों स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने गुमटी बना दी है, ये डोर है जहाँ से ऊपर आ पाएंगे, और ये वेंटिलेशन के लिए कुछ ब्लैक कलर के मैंने झरोखे टाइप के लगा रखे हैं। आगे अगर बात करें तो ये देखिए ओवरऑल ग्रिल बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कुछ यहाँ पर डेकोरेशन की वजह से यहाँ पर चीज़ें बनाई हैं। तो फ्रंट इसका बहुत ही बेहतरीन है, 22x57 का ओवरऑल एरिया है। अगर आपका भी ऐसा डिजाइन है, आप भी ऐसे घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और चैनल इस मालत प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपको कभी न कभी घर बनवाने की आवश्यकता होगी तब आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये पूरा मॉडल कैसा लगा वो भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक्स।